सो आई थिंक आज का जो वीडियो है वो इनोवा क्रिस्टा पे है. तो आप देखेंगे कि इनोवा क्रिस्टा जब लॉन्च हुई थी तो इंडिया में बहुत ज़्यादा उसका डिमांड था, काफ़ी क्रेज था, एंड एवरीवन वांटेड कि भाई इनोवा क्रिस्टा लेना है. क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि टोयोटा इनोवा में उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस किया. बहुत लोग चाहते थे कि इनोवा जितनी रिलायबल गाड़ी है उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आ जाए, तो वो ऑप्शन उन्होंने दे दिया. उसके साथ साथ पूरी गाड़ी उन्होंने फेसलिफ्ट कर दी. इनफैक्ट नॉट जस्ट फेसलिफ्ट, कंप्लीट डिज़ाइन चेंज हो गया. तो टाइप 4 इनोवा के बाद जो क्रिस्टा आई, बहुत लोगों ने वो गाड़ी ली. एंड आज ये सिचुएशन है कि काफ़ी लोग के पास वो गाड़ी है और उसका फेसलिफ्ट आ गया. सो नाउ पीपल आर वरिड कि भाई अभी हमारी गाड़ी ओल्ड लग रही है. ये हमारे जो गाड़ी आज जिसका वीडियो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी हुई थी कि उनकी गाड़ी अभी ओल्ड लगने लगी. एंड फेसलिफ्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं थे तो हमने उनको रेकमेंड किया कि आप फेसलिफ्ट कर सकते हैं. हमारे बहुत सारे वीडियोज़ आपने ऑलरेडी देखे होंगे जिसमें हमने फेसलिफ्ट किया हुआ है. तो इस गाड़ी को भी हम लोग फेसलिफ्ट कर रहे हैं. एंड प्लस एज आई सेड, टोयोटा इज़ अ रिलायबल ब्रांड, तो गाड़ी को और 5 साल वापरना चाहते हैं तो हम लोग उसको कम्प्लीटली पेंट करेंगे. वी विल बी गिविंग इट ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन. एंड येस ऑफकोर्स इंटीरियर जो हमारी स्पेशलिटी है, तो कंप्लीट इंटीरियर को भी कस्टमाइज़ करने वाले हैं. तो अगर आपके पास ऐसी कोई इनोवा क्रिस्टा है और आप चाहते हैं कि उसको बेचना नहीं है तो क्या कर सकते हैं उसका, वो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. थैंक यू सो मच.
सो ये एक इनोवा क्रिस्टा है जिसका हमने फेस लिफ्ट किया है, बट इस बार हमने सोचा कि इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस इंटीरियर, मुझे 100% ये लगता है कि ये थीम आज भी अगर क्रिस्टा में कोई देखेगा ना, या कंपनी वाले भी इस वीडियो को देखेंगे ना, तो दे विल ऑल्सो थिंक यार इस टाइप का थीम देना चाहिए। दे कम अप विद वेरी फ्यू ऑप्शंस, आई थिंक उन लोग का या तो फुल ब्लैक होता है या तो फिर ग्रे एंड बेज होता है, समथिंग लाइक दैट। बट डेफिनेटली दे शुड कंसिडर, क्योंकि इस टाइप का अगर इंटीरियर आप जब कराते हैं ना आपके टेस्ट के हिसाब से, तो गाड़ी आपकी दूसरे कार से बहुत अलग लगती है। दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड, इट्स एक्चुअली क्रीम एंड ब्राउन थीम, काफ़ी रनिंग थीम है, ऐसा नहीं है कि कुछ हमने हटके किया हुआ है, बट अलग है थोड़ा। तो ये देख के अगर आप कोई भी इनोवा क्रिस्टा में बैठेंगे और इसमें बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली ये बहुत अच्छा लगने वाला है। द सीट कवर्स आर कस्टम मेड, अगर आप इसकी फिटिंग देखेंगे तो परफेक्ट फिटिंग है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि लूज है, एकदम परफेक्ट फिटिंग आया हुआ है। एंड द मटेरियल ऑल्सो वॉट वी हैव यूज्ड इज कॉम्पोजिट लेदर बट ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। स्टेयरिंग पे भी अगर आप देखेंगे तो जो जेन्युइन लेदर है उसकी स्टिचिंग आप देखिए तो एकदम परफेक्ट स्टिचिंग है, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कंपनी ने दिया हुआ है। और ब्राउन कलर का लेदर है, डैशबोर्ड जो है उस पर कहीं पर भी लेदर नहीं है। तो काफ़ी बार हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट आती है कि आप डैशबोर्ड पे लेदर रैप करिए, बहुत लोग करते भी हैं, हम लोग भी करते हैं, बट वी जनरली डोंट रेकमेंड दिस, क्योंकि एक्चुअली जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे तो एयरबैग है, तो इसकी जब टेस्टिंग होती है तो एयरबैग की, तो जो क्रैश टेस्ट होता है उस टाइम पे एयरबैग खुलता है बिकॉज यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं लगा हुआ है, तो प्लास्टिक फट के पूरा बाहर आ सकता है। बट जब इसके ऊपर हम लेदर या कॉम्पोजिट लेदर चढ़ा देंगे उसके बाद किसी के भी पास इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि वो अगर कुछ हुआ गाड़ी को तो ये एयरबैग खुलेगा कि नहीं खुलेगा, उसका किसी ने भी अभी तक टेस्टिंग नहीं किया हुआ है। सो वी ऑलवेज डोंट रेकमेंड दिस कि आपको इसके ऊपर लेदर करना चाहिए। मैट फिनिश ऑलमोस्ट लाइक लेदर लुक आ जाता है, वैसा हम पेंट जॉब करते हैं, बट डैशबोर्ड पे हम लेदर रेकमेंड नहीं करते हैं। बाकी सब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डोर पैड पे भी हमने लेदर किया हुआ है, यहाँ पे हमने वुडन फिनिश दिया हुआ है, ये पूरा जो सिल्वर है उसको हमने फिर से पेंट किया हुआ है, जितने भी पार्ट्स है मतलब एक्चुअली ये पूरा का पूरा इंटीरियर खाली हो जाता है जब हम करते हैं, वो सब हमने फ्रेशली पेंट किया है। और इसके साथ साथ रूफ़ को भी हमने क्रीम किया हुआ है, इसी रीज़न से क्योंकि वो उसका जो कलर है वो इंटीरियर की थीम के साथ मैच हो जाए। तो ओवरऑल द कार इंटीरियर इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड। एंड समथिंग विच वॉज मिसिंग इन दिस कार वॉज द एंड्रॉयड प्लेयर, तो इसमें एंड्रॉयड प्लेयर नहीं था, हमने एंड्रॉयड प्लेयर भी ऐड किया है, उसके साथ साथ हमने 360 डिग्री कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है। सो दिस कम्स विद बर्ड व्यू एंड 360 डिग्री कैमरा ऑल्सो। तो पूरी गाड़ी का इंटीरियर तो हमने कस्टमाइज किया हुआ ही है, बट बाहर से भी हमने कम्प्लीट कार को पेंट किया हुआ है, उसके साथ साथ हमने फेस लिफ्ट भी कर दिया है। तो आगे का अगर आप लुक देखेंगे तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक 2023 में भी जो अभी रनिंग मॉडल चल रहा है वैसा आपको दिखेगा, क्योंकि फ्रंट का ग्रिल, बम्पर, कॉर्नर लैम्प, फॉग लैम्प ये सब चेंज किया हुआ है। बहुत मेजर चेंजेस नहीं है फेसलिफ्ट में, बट हाँ गाड़ी को अगर आपको फ्रेश लुक देना है तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज इसके थ्रू आप दिखा सकते हैं कि आपकी गाड़ी भी ऑलमोस्ट मतलब 2022-23 का मॉडल हो जाता है। एंड एट ऑटोराउंडर्स यू नो कि हम लोग कभी भी कोई गाड़ी देते हैं तो हमारा वो एक चीज़ रहता है कि हम शोरूम कंडीशन में दें। तो ये गाड़ी को हमने पूरा पेंट किया हुआ है यूजिंग जर्मन पेंट मटेरियल इन द पेंट बूथ मशीन। तो गाड़ी बाहर से एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है और इंटीरियर तो आपने देखा कि एक ब्रांड न्यू से भी बेटर है। सो दिस कार इज़ नाउ गुड टू गो। अभी बीच में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था ऑन कार टॉक वेयर इट वॉज मैंशन कि वाई टोयोटा ब्रांड इज़ सो सक्सेसफुल इन इंडिया, एंड द रीज़न इज़ दिस ओनली गाइस कि ये बहुत रिलायबल गाड़ी है, इसका इंजन बहुत सही है, मेंटेनेंस फ्री कार है और कंफर्टेबल भी बहुत है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टोयोटा इतनी रिलायबल क्यों है, तो मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ कि आपने कभी भी रास्ते में टोयोटा की कोई गाड़ी को टू होते हुए देखा है, बहुत कम देखा होगा। सो दैट्स द रीज़न वाई पीपल लव दिस कार, और हमको बुलाया जाता है कि टोयोटा किंग्स, तो हमारे पास तो टोयोटा की सब गाड़ियों का काम होता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई क्रिस्टा है और आपको उसको फेस लिफ्ट करना है, इंटीरियर कस्टमाइज़ करना है, पेंट जॉब करना है, डेफिनेटली यू कैन कम टू ऑटो राउंडर्स। वी आर फ्रॉम मुंबई, हैदराबाद एंड पुणे। मुंबई का नंबर 7666-930-930, हैदराबाद 7666-830-830, पुणे इज 9206-630-630। देयर इज़ वन मोर नंबर 8425-808080। कमेंट में ज़रूर बताइए खास करके कि इंटीरियर कैसा लगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।